धन्यवाद सभापति महोदय जी। आपने मुझे किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 पर बोलने का अवसर दिया। मैं आभार करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं आभार करना चाहता हूं हमारी महिला बाल विकास मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी का। उन्होंने जब मेरी बात प्रारंभ की थी तो बड़े संवेदनशीलता के साथ में उन बच्चों की मनोदशा को जो है ना आपने उसमें प्रकट किया था। मैं दिल्ली के एक दृष्टांत से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। दिल्ली के एक बाल गृह में वहां पर जब मैं गया तो देखा कि एक बच्चा बहुत बुखार में तप रहा था और बाकी सारे बच्चे कार्यक्रम कर रहे थे। मैंने उसके पास जाकर पूछा तो उसको 3 दिन से बुखार आ रहा था, लेकिन एक अच्छी बहुत जो सुखद अनुभूति वहां पर देखने को मिली, वो बच्चे के पास में 4 बच्चे वहां पर बाल गृह के उसके साथ में बैठे हुए थे। सामान्य रूप से देखने में आता है कि बच्चा जब घर में अस्वस्थ होता है तो उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता मां की होती है। मां अगर बच्चे के पास बैठी रहती है तो बच्चे को जो है ना किसी बात का भय नहीं होता, उसको ये लगता मां मेरे पास है, मैं ठीक हो जाऊंगा। और ऐसे जो है ना हमारे समाज में जो ऐसे बच्चे हैं, इन बच्चों के प्रति देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में, हमारी महिला बाल विकास मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी ने उनकी पीड़ा को अनुभव किया और उसी के आधार पर इस बिल को, संशोधन विधेयक को यहां पर लाया गया। समाज में होने वाले परिवर्तन और भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को पहले से मापकर सरकार नीति निर्धारण का कार्य करती है। किसी कानून पर होने वाले बदलाव के संबंध में और शीघ्र भाव पर उसमें परिवर्तन करना एक कुशल नेतृत्व का जो है ना वो प्रतीक होता है और उसी को भाव पर सरकार इस विधेयक के माध्यम से बच्चों के हित की दिशा में कदम उठाने जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सरकार बच्चों के हित के प्रति उनको हितों को सुरक्षित करना चाहती है और बाल संरक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और कारगर बनाने के लिए यह किशोर न्याय संशोधन विधेयक लाया गया है। ये वास्तव में बहुत सराहनीय है। 2016 का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था वो न सिर्फ संविधान में दिए गए बाल संरक्षण और किशोर न्याय के मूल सिद्धांतों और प्रावधानों के अनुरूप था, बल्कि ये कानून यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के भी अनुकूल था। लेकिन जब किसी देश में कानून बनाने की प्रक्रिया स्थिर हो जाती है तो देश भी जो है ना स्थिर हो जाता है। हमारे यहां कहा जाता है कि रुके हुए पानी में जो है ना बदबू आने लगती है और बहता हुआ पानी पवित्र और निर्मल होता है। इसी कारण से हमारी सरकार इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सुधार लाई है जिससे इस कानून को और अधिक प्रभावी और समय के अनुरूप बनाया जा सके। भारत विश्व में सर्वाधिक बच्चों की संख्या वाला देश है। भारतीय संविधान भी बच्चों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है, जैसे शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार और बाल श्रम से शोषण से मुक्ति का अधिकार, स्वस्थ तरीके से विकसित होने का अधिकार, सुविधाओं का अधिकार। राष्ट्रीय बाल नीति भी जो है ना बच्चों के विभिन्न क्षेत्रों में स्वाभाविक और अलग अलग माध्यम से संपूर्ण विकास व संरक्षण को महत्वपूर्ण मानती है। भारत का प्रत्येक बच्चा अपने आप में अनेक संभावनाएं लिए अनूठा व्यक्तित्व है और वह राष्ट्र की धरोहर है। राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसार प्रत्येक बच्चे को पारिवारिक माहौल में प्रेम, खुशी और समझ के माहौल का अधिकार है। जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है वो अपने घरों में जो अपने माँ बाप से वो परिवार जब होता है तो परिवार में दादा दादी होते हैं, परिवार में ताई भी होती हैं, परिवार में बुआ भी होती हैं, परिवार में चाचा भी होते हैं, बड़े भाई भी होते हैं और इस तरह से जो समूह परिवार में बच्चा रहता है तो उसको धीरे धीरे जो एक तो संस्कार उसको मिलते हैं और परिवार में एक साथ रहने से आगे बढ़ने का हौसला भी मिलता है। मैं माने सभापति महोदय जी, इस दिशा में किशोर न्याय अधिनियम की जो धारा 56 है उसकी उपधारा एक ये प्रावधान करती है कि अनाथ छोड़े गए या छोड़ दिए गए बच्चों के परिवारों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दत्तक ग्रहण का उपाय किया जाएगा और इस बिल में उसका प्रावधान किया गया है। मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों ने भी माना है कि यदि बचपन में कोई व्यक्ति में बच्चे में कोई कमी होती है तो ऐसा व्यक्तित्व जो है ना आगे चलकर कुंठित हो जाता है। ये सब अधिकार सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए नहीं है कि जिनके पास परिवार है, माता पिता हैं, संरक्षण को देखभाल करने वाले हैं, बल्कि वो बच्चे जिनके पास ऐसा नहीं है उनको यह अधिकार दिलाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है और इसलिए सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत यूएन की बाल अधिकार कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश है, उसके प्रावधानों को हम सरकार की नीतियों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में सबसे महत्वपूर्ण 2 प्रकार के बच्चों की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहले प्रकार के ऐसे बच्चे
जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, दूसरे प्रकार के ऐसे बच्चे जो कानून के उल्लंघन के दोषी हैं। सरकार का ऐसी व्यवस्था बनाने का दायित्व है जिसमें बच्चों के सभी हितों की संरक्षण हो सके। इसके लिए चाहे वो चाइल्ड हेल्पलाइन हो, चाहे संस्थागत या गैर संस्थागत देखभाल की आवश्यकता हो, अथवा अन्य सेवा प्रदान करने वाले माध्यमों को बनाना हो, ये सब राज्य की जिम्मेवारी होती है कि भाई इसे चलाए। सरकार ने समय समय पर इस कानून में बदलाव किए हैं, जैसे 2018 में कुछ बदलाव किए गए थे जो समय की मांग के अनुरूप थे, और यह संशोधन विधेयक लाया गया है जिसमें इस अधिनियम को और अधिक शक्तिशाली और मजबूत बनाने के प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन विधेयक में जो दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया है उसको बहुत आसान किया गया है और बहुत अधिक प्रभावी बनाया गया है। वर्तमान में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 63 में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में कोर्ट को अधिकार था, और कोर्ट में इतनी ज्यादा पेंडेंसी रहती है कि सालों निकल जाते हैं। किसी बच्चे को गोद लेने के लिए किसी दंपति ने अगर आवेदन किया है और वो बच्चा 6 महीने का 8 महीने का है, लेकिन वो कोर्ट में जब प्रक्रिया चलती है वो बच्चा 3 साल और 4 साल का हो जाता है, और फिर वो अपने माँ बाप के पास जिस संरक्षण में जा रहा है वो उनसे उतनी अच्छी तरह से वो मिक्सअप नहीं हो पाता है। और इसके लिए आवश्यकता है कि इसको प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, और इसी दम में सरकार जो है ना आगे कदम बढ़ा रही है। कहीं इतनी ज्यादा पेंडेंसी है उसको देखकर ये लगता है कि हम कहीं अनजाने में अनाथ बच्चों के प्रति अन्याय तो नहीं कर रहे थे, जिससे ना तो उन्हें नया परिवार मिल सकता था और ना ही जीने का कोई सहारा। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है और व्यवहारिक संशोधन करते हुए अब सारी की सारी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को और उसके साथ ही साथ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को देने का इसमें प्रावधान किया गया है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। हम सब जानते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट के ऊपर इतना वर्कलोड होता है, इतना ज्यादा काम होता है कि ये काम जो है ना पिछड़ हो जाते हैं, और बच्चे जो है ना बच्चे इंतजार में रहते हैं कि हमको कोई माँ बाप दम पर आएंगे और हम उनके साथ में जाएंगे। वो जब दूसरे बच्चों को देखते हैं कि वो बच्चा गोद लिया गया था और वहां पर अपने घर जाने के बाद जब वो बीच बीच में मिलने के लिए आता है, तो जो अनाथ गृह में बच्चे रहते हैं उनके मन में भी ये लगता है कि हम भी किसी परिवार के द्वारा गोद लिए जाएंगे, हमको भी ऐसे ही अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, हम भी ऐसे ही गाड़ी में घूमकर आएंगे। संशोधन विधेयक में जो अधिकार दिए गए हैं इसमें डीएम और एडीएम के बीच में जाना, ये काम बढ़ जाने से अब काम करना ज्यादा आसान हो जाएगा और दत्तक प्रक्रिया जो है ना वो बहुत कारगर हो जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट जो गोद लेने के लिए दंपति आते हैं वो ये देखते हैं जो दंपति बच्चा गोद लेने के लिए आ रहा है उसके मन में उसका परिवार कैसा है, उसका सोच कैसा है, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, वो इस जिम्मेवारी को ठीक ढंग से उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा, ये सारे बिंदुओं पर और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही जो है ना बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया का काम किया जाएगा। और ये जो व्यवस्था की गई है ये व्यवस्था काफी सराहनीय है। सभापति महोदय जी, इसका प्रत्यक्ष परिणाम ये होगा कि एडॉप्शन संबंधी जितने भी कार्य हैं वो अब सब फास्ट मोड में होने लगेंगे और हमारे देश के अनाथ बच्चों को एक नया जीवन, नया परिवार और नया घर प्राप्त हो सकेगा। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक के आंकड़ों को अगर हम देखें तो कुल 3531 बच्चों को गोद लिया गया, और इसमें 2061 लड़कियां थी और 1470 लड़के। यह समाज की बदलती मानसिकता, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसे कार्यक्रमों की सफलता को बताता है। आज भारत में लगभग 8677 बच्चे गोद लेने के लिए उपलब्ध हैं, और इनकी तुलना में जो दंपत्ति गोद लेना चाहते हैं वो संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जटिल कानूनी प्रक्रिया के चलते जो है ना ये पेंडेंसी बनी हुई थी, और इस पेंडेंसी को दूर करने के लिए ये इसमें दत्तक गोद लेने की प्रक्रिया को इसका सरलीकरण किया गया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो संतानहीन दंपति होते हैं जब वो किसी भी इस तरह के बाल गृह में अनाथ आश्रम में जाते हैं तो हर दंपत्ति की ये कोशिश होती है कि वो बच्चे को ही गोद लें, बेटी को गोद ना लें, लेकिन उसमें परिवर्तन आ रहा है और छोटे बच्चे को ही गोद लेना चाहते हैं, बड़े बच्चे को गोद नहीं लेना चाहते। समाज की इस मानसिकता में परिवर्तन लाना पड़ेगा। उन बच्चों को मन में भी आता है कि हमको भी माँ का ममता का जो है ना आंचल मिलना चाहिए, पिता की उंगली पकड़कर हम भी घूमने के लिए जाएं, और जो बड़े बच्चे हैं जो थोड़े बड़े हो जाते हैं लंबी प्रक्रिया के चलते वो बच्चे बेचारे वहीं पर अनाथ आश्रम में रहकर अपना और अपना समय निकालते हैं। इस संशोधन विधेयक का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है ना 3 प्रकार के अपराध पर संज्ञान ले सकता था, पहले छोटे अपराध, दूसरा घोर अपराध और तीसरा जघन्य अपराध। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक चौथी श्रेणी के अपराध को शामिल नहीं करता, जहां अपराध के लिए अधिकतम दंड 7 साल से अधिक के कारावास का प्रावधान तो है पर न्यूनतम दंड नहीं बताया गया और उसे अधिनियम के अधीन जघन्य अपराध समझा गया। इस स्थिति के समाधान के लिए सरकार ने संबंधित क्लॉज में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में
इस विसंगति को दूर किया जा सके, इस विधेयक में मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 1 में 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जो जघन्य अपराध में जो है ना उनको जोड़ा गया है, 16 साल से कम का बच्चा भी यदि शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व है तो जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड उसे कोर्ट में उस केस को रेफर कर सकता है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में देख रहा है कि बाल अपराधों की संख्या में जो है ना काफी संख्या बढ़ रही है, और 10 साल का बच्चा जो है ना वो मर्डर करने लगा है, 10 साल का बच्चा जो है ना रेप करने लगा, ये हमारे समाज में जो है ना बदलाव देखने में आ रहा है। इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण ये है कि टीवी का कल्चर जो चला, व्हाट्सएप, फेसबुक, और इसके साथ ही साथ पिछले दिनों हमने देखा कि बच्चों के अंदर पबजी का खेल खेलना या और इसे ब्लू वेल थ्योरी के खेल खेलना, ये हिंसात्मक उस दिशा में आगे बढ़ाते थे। हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे खेलों को बंद करने के सख्ती के साथ में कदम उठाया और भी इस तरह के खेलों की पहचान करके और बच्चे इस तरह के खेलों में इन्वॉल्व ना हो पाए और स्वाभाविक रूप से उनकी बच्चों की वृद्धि हो सके। बाल कल्याण समिति का जो उल्लेख किया गया, इस बाल कल्याण की समिति में जो सबसे अच्छी बहुत अच्छी चीज की गई कि इसमें शैक्षणिक योग्यता को जो है ना वो प्रावधान जोड़ा गया है, और इसके साथ ही साथ उस बाल कल्याण समिति में मनोवैज्ञानिक, लॉयर, सामाजिक कार्यकर्ता और दिव्यांग बालकों के लिए काम करने के लिए विशेष रूप से जिनका इस क्षेत्र में अनुभव है ऐसे लोगों को चिन्हित करके जब बाल कल्याण समिति में रखा जाएगा तो ये हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो सकेंगी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं लेकिन कुछ चीजें जो है ना कोट करना बहुत आवश्यक है। मैं कोरोना काल में कानपुर के एक बालगृह का उल्लेख करना चाहता हूं कि वहां पर कोरोना काल में 27 बेटियां जो है ना कोरोना की संक्रमण में आई। इस समाचार को मीडिया ने खूब उछाला लेकिन उसी बालगृह में और दो बेटियां जो है ना यूपी बोर्ड की जो परीक्षा में जो है ना 71% और 73% मार्क लेकर पास हुई, ये इस बात को बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी, संसाधनों के अभाव में भी, और जिनके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता होता है उन बेटियों ने जो है ना ये अच्छे रिजल्ट लाकर इस बात को बताया कि अगर उनकी प्रतिभा कहीं भी जो है ना अपना स्थान बना सकती है, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैंने एक समाचार पढ़ा, मुंबई में जो संरक्षण गृह है वहां पर रहने वाली बच्चियां आज इंजीनियरिंग कर रही हैं, एमबीए कर रही हैं, डिप्लोमा करके और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में जो ना काम करने के लिए जा रहे हैं। एक बालगृह का उदाहरण यहीं का है, एक बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था, बड़ा हो गया, अब वो बाहर चला गया, लेकिन वो बच्चा अभी भी बालगृह में आता है और वहां के जो छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों को वो पेंटिंग करना उनको सिखाता है। ऐसे ही एक और व्यक्ति बालगृह से निकला था, वो अभी भी आता है, बच्चों के बीच में आकर बैठता है और उनको नाटक सिखाता है, वो नाट्य मंडलियों में काम करने के लिए चला गया, उस बालगृह से उसने अपना रिश्ता नहीं छोड़ा। अब सभापति जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं एक मिनट में और अपनी बात खत्म करूंगा। मैं टीकमगढ़ का उदाहरण देना चाहता हूं। टीकमगढ़ में एक हमारी आंटी जी हैं शिवकली रूसिया जी, और वो संतानहीन है लेकिन उन्होंने इसको जो ना इन्होंने अपनी मजबूती का उन्होंने एक आधार बनाया और जो इस तरह के छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को अपने धर्मांत और शिशुगृह में वहां रखती हैं और फिर एडॉप्शन की प्रक्रिया पूरी होने पर संतुष्ट जब होती हैं तब उन बच्चों को भेजा जाता है। सागर में एक संजीवनी बाल आश्रम है और सत्यभामा अर्जरिया जी जो है ना वो उस आश्रम को चलाती थी, अभी तो उनका निधन हो गया है लेकिन वो उन बच्चों का शिक्षण व्यवस्था, उनके भोजन की सबकी इतनी अच्छी तरह से करती थी और बेटियों की शादी भी करती थी, बेटी की शादी बिल्कुल इस तरीके से करती थी कि उनके वो सगी बेटी हो। जब उन लोगों ने देखा तो बहुत बड़ी संख्या में शहर के समाज से भी उस व्यवस्था से जुड़ गए और आज संजीवनी बालगृह की जो है ना बेटियों की शादी बहुत अच्छे ढंग से उस बच्चों की शादियां होने लगी। उसी संजीवनी बाल आश्रम में मैं अपने बच्चों का जो जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम मैंने कभी अपने घर पर नहीं किया, मेरे बच्चे जब छोटे थे तो उसी संजीवनी बाल आश्रम में जाकर उन अनाथ बच्चों के बीच में बैठकर जो है ना उनका जन्मदिन मनाया जाता था। मेरी बेटी डॉक्टर निवेदिता रत्नाकर उस परंपरा को आगे बढ़ा दी क्योंकि मेरा संस्कृति क्षेत्र बदल गया, मैं टीके मरा गया लेकिन बेटी भी है मेरी, उसकी जो बेटी है उसको ले जाकर जो है ना संजीवनी बाल आश्रम जाती है, घर से खाना बना के ले जाती है, मीठा बना के ले जाती है और उन बच्चों के बीच में बैठकर वहां पर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाती है। इस तरह के जो काम गतिविधियों के माध्यम से ही जो है ना केवल अनाथ आश्रम जो है ना निराश्रित बच्चों की समस्या का हल नहीं है, हमें उन आश्रम के साथ में जागरूक नागरिकों को जोड़ना पड़ेगा, जिम्मेदारी समाज की जोड़ना पड़ेगी। जब समाज अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए आगे आएगा तो बाल गृहों की व्यवस्थाएं भी सुधरेंगी और अच्छे बच्चे शिक्षित होकर संस्कार होकर वहां से निकलेंगे और समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में अपना योगदान देंगे। माननीय सभापति महोदय जी, एक आखिरी उदाहरण है, कोलकाता का मैं गया था, कोलकाता में एक बालिका गृह में, उस बालिका गृह में मैंने देखा कि एक बच्ची बहुत अलग तरह की है, बहुत अच्छी बच्ची थी। वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद उस बच्ची को जब बुलाया, उससे पूछा, उसके पिता का निधन हो गया था, उसके पिता सर्विस में थे, उस बच्ची के पिता का निधन हो गया था, जम्मू से उसकी मां
और अपनी बेटी और बेटे को लेकर कोलकाता आई थी। जिस होटल में वो महिला ठहरी थी वो उसके पैसे सारे खत्म हो गए। पैसे खत्म हो गए थे तो उस होटल मालिक ने माँ को जेल भेज दिया, बच्ची को बालिका गृह में भेज दिया और बेटे को बाल गृह में भेज दिया। जब ये जानकारी लगी तो वहां के संबंधित अधिकारियों के साथ में फिर हम लोगों ने बात की कि आखिर कोर्ट में जाकर उसकी माँ की जो है ना और जमानत लेने की प्रक्रिया में क्यों आप लोग पीछे रहे। बाद में फिर उसकी जमानत से उसको छोड़ा गया। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं ये अंदर तक जो है ना झजको देती है। एक चीज और देखने में आई कि वहां पर जो है ना दूसरे राज्य के जो बच्चे थे उनको मछली खाद खाने के लिए जो है ना वो प्रेरित किया जाता था। अब जम्मू कश्मीर का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का कोई बच्चा अगर भटक के वहां पहुंच जाएगा तो खान पीन वहां का नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की माननीय मंत्री महोदय जिसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इस तरह के जो बाल गृह में बच्चे हैं जो दूर के दूरस्थ राज्यों के हैं उनको जो है ना पहचान करके वो वहां के राज्यों में भेजा जाए। उसी बाल गृह में 10 बच्चे बांग्लादेश के भी थे तो उन्हें मैसेज करके हम बाहर के अगर बच्चे हमारे देश में आ गए हैं उनको भेजे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और अंत में मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ कि हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा बहुत अच्छा बिल लाया गया है, स्वागत योग्य बिल है, मैं इसका समर्थन करता हूं। सबसे सभापति मुझे आखिरी सेंटेंस मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि मैं बड़ी ही सावधानी से अपना कदम उठाना चाहता हूं, मैं बड़ी ही सावधानी से अपना कदम उठाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पीछे बच्चा आ रहा है और वो बच्चा ये कहता है कि मैं तेरे जैसा ही बनना चाहता हूं। ठिठुरती ठंड में, तपती धूप में, बरसते बादलों में, बर्फों के बीच में मैं बरसों के लिए बना रहा हूं उस बच्चे के भविष्य को जो बच्चा मेरे पीछे आ रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।